कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर कई हमले बोले। जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार के एक विज्ञापन पर सरकार को घेरते हुए कहा कि शिवराज ने कर्ज से पैसे लेकर माफियाओं पर की कार्रवाई को विज्ञापन के जरिए जनता को परोसा है। सुनिए आप भी। आज एक विज्ञापन आया है, विज्ञापन है अपराध एवं माफिया से मुक्त होता मध्य प्रदेश। नीचे एक और उसमें एक बहुत अच्छी बात, अपराधों पर बड़ा कड़ा प्रहार, सुशासन बना मध्य प्रदेश का आधार। शिवराज सिंह जी ने उसमें पूरी डिटेल में सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जो गतिविधियां चालू की उसकी विज्ञापन से अपनी वाहवाही लेने की कोशिश की। विज्ञापन से, सरकारी विज्ञापन, पैसे से ये बताया कि हमने ये माफिया राज 15 साल में बढ़ाया था। शिवराज सिंह जी ने यह कहा कि 15 साल लगातार जब मैं पिछला मुख्यमंत्री बना तो इस 15 सालों में माफिया ने इस तरीके से मध्य प्रदेश को जकड़ रखा था और सरकार उसमें संलग्न थी। जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की माफियाओं पर कार्रवाई को कमलनाथ की नकल करना बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि 15 महीनों की सरकार में कमलनाथ ने जितनी लोकप्रियता हासिल की उसी की नकल शिवराज जी कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने उज्जैन में हुए बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी सरकार पर हमले किए। कंगना राणावत की सुरक्षा बढ़ाई गई, वाह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी और वाह गृह मंत्री जी, कंगना राणावत की सुरक्षा बढ़ाओ, नो कोई आपत्ति नहीं। पर विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हम चौकियों में बैठे रहते हैं, हम पे अगर ये माफिया चढ़ा के चला जाए तो इसकी क्या गारंटी, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये अखबारों की आज की हेडिंग है, रेत माफिया बेखौफ, चौकी प्रभारी बोले हम तो चैनल बंद करके सो जाते हैं कहीं हमें ना कुचल दे। ये विज्ञापन का सच है शिवराज सिंह जी। एक तरफ 15 साल के माफिया को जिसने संरक्षण दिया वो अब सरकार के खून पसीने के जनता के पैसे से विज्ञापन देके कह रहे हैं कि हम माफिया से मुक्ति दिला रहे हैं। माफिया से मुक्ति आपने दिला रहे हो, कमलनाथ की नकल कर रहे हो आप, कमलनाथ सरकार की नकल कर रहे हो। आपने देखा कि 15 महीने में कमलनाथ जी की लोकप्रियता जो बढ़ी, ये आपके कुशासन से माफिया पनपा था उसके खिलाफ जिस तरीके की जंग लड़ी जा रही थी उसके खिलाफ जनता का प्रोत्साहन था, उसकी नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह। पर नकल में भी अकल की आवश्यकता है, नकल में जिस तरीके की सच्ची और अच्छी अंतर आत्मा रखनी पड़ती है, भेदभाव नहीं रखना पड़ता, तेरा मेरा नहीं देखना पड़ता, पार्टी नहीं देखनी पड़ती। कमलनाथ जी ने जो व्यवहार रखा था एक चश्मे से माफिया को देखा था, आप 2 आंखों से माफिया को देख रहे हैं, एक बीजेपी का माफिया और एक माफिया। तो शिवराज सिंह जी पे हमारा आरोप है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस पक्षधर है, पर 2 आंख से क्यों देखती है भारतीय जनता पार्टी। वाह मेरी सरकार, वाह मेरे मुख्यमंत्री, आपसे तो बुद्धिमान मुख्यमंत्री इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तीसरी ओर अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान सड़कों पे आएंगे, नहीं होंगे तो सड़कों पे आ जाएंगे। वो सड़क पे भटक रहे थे 5-7 दिन पहले, एक महल में था एक सीएम हाउस में था, उनकी सड़क, वो सड़क पे है अतिथि शिक्षक। ये है शिवराज का असली राज, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। इतने सारे पाप करने के बाद अब शुद्धि और पवित्रता के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिवराज सिंह जी ने कहा कि प्रशिक्षण शुद्धि और पवित्रता के लिए होता है, मतलब अशुद्ध तो है। शिवराज सिंह जी का आज का बयान है प्रशिक्षण इसलिए शुद्धि और पवित्रता के लिए। जो पाप किया लोकतंत्र की हत्या करके, जो पाप किया विधायकों की खरीद फरोख्त करके, जो पाप किया बेचने वाला भी प्रशिक्षण ले रहा और बिकवाने वाला भी प्रशिक्षण ले रहा। दरअसल जीतू पटवारी का आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार विज्ञापनों के जरिए अपने कार्यों को जनता के बीच पहुंचा रही है। ये बात कांग्रेस को इसीलिए रास नहीं आई क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार कमलनाथ द्वारा शुरू किए कामों को ही आगे बढ़ा रही है जो कि जनता के लिए किसी धोखे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।